इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में। फेक टिकट की बात की, अब आप देखें ना खैरियत इतना तैयार हो रहे हाथ में, खुशी की बात है हाथ हो रहे हैं, आप उनका इस्तकबाल करेंगे तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। मुनाजरा बुरी चीज थी, अरे मुनाजरा कर रहे हैं, मुनाजरे से रिजल्ट क्या आएगा, मुनाजरे से मिला क्या है, मुनाजरा बुरी बात होती है। यार बात सुनो। हाँ बोलो। इस बंदे का कोई ड्रामा या फिल्म का नाम बताओ यार, बहुत कमाल की एक्टिंग करता है, मैंने देखना है। और नहीं भाईजान, ये एंकर है, ड्रामा एक्टर नहीं है, ना फिल्म एक्टर है, ये एंकर है और ये GTV पे भी काम करता है। नहीं यार, मुझे तो लगा ये एक्टर है बंदा, इतनी कमाल की एक्टिंग कर रहा है इन वीडियोस में, मैंने सोचा शायद ये फिल्मों या ड्रामों में काम करता होगा, इतनी कमाल की एक्टिंग कर रहा है, एंकर तो नहीं हो सकता किसी हिसाब से। और बस इग्नोर करो इस बंदे को, ये टीवी के सामने कुछ और होता है और पीछे कुछ और बन जाता है, मीठी छुरी है ये बहुत बड़ी, इसको छोड़ दो। चलें खैर मान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना बाबू और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। इंट्रो से आपको पता चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। अवैस रुबानी साहब जो कि एक किसी ज़माने में एक अच्छे एंकर हुआ करते थे, जो हमें दिल को लुभाया करते थे। अभी उनका स्क्रीन के सामने चेहरा जो था वो और था, इसलिए हमें उस वक्त नहीं समझ आई कि ये बंदा किस तरह का है। तो PTV पे भी और GTV पे भी काफ़ी अच्छे शोज आते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपना चैनल बनाया उस वक्त से इनकी नींदें जो है वो पूरी नहीं हो रही, नींदें हराम हो गई हैं समझ लिया के हिसाब से। अपने चैनल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, किसी हद तक भी जा रहे हैं। कुछ महीनों बाद ये कोई ना कोई अपनी तरफ से शोशा छोड़ देते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये ट्रेंड खड़ा करते हैं, फिर अपने व्यूज़ और फॉलोअर्स गेन करते हैं, लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनका जो कमेंट बॉक्स है उधर जाके आप चेक कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट लगाते हैं या वीडियोस लगाते हैं ख़ुसूसन इंजीनियर साहब के खिलाफ, तो उसके नीचे जो है 90 से 95% ये मेरा दावा है कि वो इंजीनियर साहब के हक में कमेंट्स लिखे जा रहे होते हैं, कि इसके खिलाफ लिखे जा रहे होते हैं कमेंट्स और इंजीनियर साहब के हक में लिखे जा रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं जाके खुद ही कि इनका कमेंट बॉक्स जो है वो भरा पड़ा, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आता, ये कहता है कि नहीं अब मैंने जो है वो अपना काम सर अंजाम देना है, मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है और मैंने ठेका लिया हुआ है कुछ बुजुर्गों का, कुछ उलमा का, कुछ फिरका परस्तों का। तो खैर वो आप ठेका निभाएं ज़रूर, लेकिन कुछ चीज़ों का जवाब आपने आगे भी जाके देना है जो सच्चाई है। आप एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, सहाफ़त का ये काम होता है कि आप न्यूट्रल रह के चीज़ों को परखें और इतना एक्सट्रीम लेवल तक ना जाएं किसी मामले में भी। आप कई दफ़ा एक्सट्रीम लेवल तक गए हैं और इस दफ़ा फिर आपने इंजीनियर साहब को भी चैलेंज दिया है कि मैं पेड़ मारूंगा उस बंदे के जो मतलब इस तरह बातें करेगा हमारे बुजुर्गों के बारे में, हालांकि जो साफ नजर आ रही है वो चीज़ें। मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेट रख दूं, मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। तो बस आप एक फिरके को लेकर चल रहे हैं, बस वो टीवी के सामने आप इस तरह शो करते हैं कि मैं सबका नुमाइंदा हूँ, मैं सारे फिरकों को लीड कर रहा हूँ, मैं सबकी बात सुनता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करते। आप वन साइडेड गेम खेलते हैं आप, और स्क्रीन के सामने थोड़ा बहुत एक दूसरे को अप्रिशिएट कर देना एक दूसरे फिरकों के लोगों को। तो वो आप ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना गेम ना खेलें, डबल पॉलिसी ना चलाएं। कैमरे के पीछे आप क्या होते हैं, अपने चैनल पे क्या कर रहे होते हैं, वो मेन चीज़ है। और इस वक्त आपका सबसे जो बड़ा हदफ है इंजीनियर साहब है। तो खैर आप लोगों ने जो भी ड्रामा एक्टिंग की है अपनी वीडियोस में, जो एक एंकर्स को नहीं शोभा देता कि वो इस तरह की आके वीडियोज़ बनाए और इस तरह के आके जो चैलेंजेस देता फिर, आप होते कौन है, मतलब क्या आपकी हैसियत है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप ना को किसी फिरके के आलिम है, आपके पास कोई ऐसे अथेंटिक बंदे हैं उलमा हैं, तो आप लाएं उनको एक तरतीब के साथ, एक असूल के मुताबिक आप शर्त खड़ी करें, उसके मुताबिक आप जो भी किसी के साथ मुनाजरा करना है या जो भी आपने करना है वो एक असूल के मुताबिक होता है, अगले बंदे की बात सुनी जाती है, वन साइडेड गेम नहीं खेली जाती। तो खैर आप लोगों ने जो ड्रामा करना था वो किया और वीडियोज वगैरह अपलोड की और एक्टिंग की उसमें। भाई शहरी ट्रांसमिशन का टाइम हो गया, लाइव छोड़ो यार। अवैस भाई शहरी का टाइम हो गया है, अभी उठ जाएंगे, क्या टाइम हुआ? टाइम 2 बजे है, उसमें 2:30 होने वाले। शहरी ट्रांसमिशन यार, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो यार? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। बचने वाले जगह आपको मेहमान आने वाले, अरे बोलू सब आने मुफ्ती साहब सब आने वाले, सब पहुंचने वाला। महबूब आया? महबूब तो नहीं आया अभी तक यार, फिर मैं क्या करूंगा आज, आएंगे क्या पता, नहीं तो आज आना था ना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, चेक करो पता करो आया नहीं आया यार, ऐसी जिंदगी में फायदा क्या। अब वीडियो पे हो तो यार तुम लोग, मैं वाकई सीरियस इंतजार कर रहा हूँ महबूब का, आपको लग रहा है कि वो नहीं आएगा? मुश्किल नहीं, महबूब आएगा, बस हवा निकल गई यार। सुबह अभी थोड़ी सी देर तो सोए, लेकिन महबूब आने की खुशी में तैयार हो, तो महबूब आ रहा है, थोड़ी देर तो किया नहीं ठीक, अगर महबूब आ रहा है तो बस आज तेल लगाएंगे सर पे, महबूब को तेल लगा सकते हैं। अरे अपने टिकट तो करवा दिया, ओ महबूब आया बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। मुनाज़र बुरी बात होती है। और जीटीवी पे भी आपने आके कहा जी आप लाइव आके बैठे इंजीनियर साहब को जो है ना वो आपने धमकियां एक हिसाब से दी हैं कि मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो बस ये थोड़ा सा एक्सपोज करना था आप लोगों को कि आप लोग कितने बड़े एक्टर्स हैं। एक्टर्स जो हैं वो एंकर्स नहीं होते। आप फिल्म और ड्रामाज में काम करें, पाकिस्तान में बहुत मशहूर ड्रामा है, आप उसमें जा सकते हैं, आपको रोल कोई ना कोई अच्छा बहुत अच्छा मिलेगा, बल्कि आप फनी रोल्स अदा किया करें, आपकी फनी जो एक्टिंग है वो बहुत कमाल की होती है। आप एक्टिंग का शोबा तैयार कर लें, आप बहुत तरक्की करेंगे उसमें। तो खैर इंजीनियर साहब ने भी वक्तन फवक्तन इस एंकर की धुलाई की है, अच्छी खासी धुलाई की है और वीडियोस रिकॉर्ड करवाई और काफी वायरल जा रही हैं वो वीडियोस। और इसने कहा कि जुर्रत है मैं तेरे मुंह पे तमाचा मार रहा हूँ। जी मैंने वो तमाचा आपका पकड़ लिया अल्लाह के बदल से, इससे अगली बात मैं करना नहीं चाहता, अखलाक से गिरी हुई बात। हाँ क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिनों के भी प्यो हैं अल्लाह के बदल से, हमारे इल्मी दरार के सामने ये सब के सब फेल है। तो बस यही रिक्वेस्ट है अवैस भाई से कि आप अपनी इज्जत क्यों दाव पे लगा रहे हैं, अपनी इज्जत बचाएं और इस तरह की हरकतों से बाज रहें। और अभी जो आपने लाइव नेशनल टीवी पे आके इस तरह धमकियां दी और किसी को बिला वजह जिसका जिक्र ही नहीं हो रहा, टॉपिक कोई और है आपके जो प्रोग्राम का लेकिन आप किसी और को जिक्र कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर साहब को आपने कहा है इस तरह, मतलब चैलेंज दिया कि आप आए आप हम बात करें हमसे, तो इस तरह इंजीनियर साहब ने भी आपको कहा है कि कानून के तहत आपके चैनल को जुर्माना भी हो सकता है और पैमरा का नोटिस भी जारी किया जा सकता है। आपकी इज्जत की वजह से पैमरा को नहीं एप्लीकेशन लिखी और आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भिजवाया, वरना आपके एंकर ने जिस तरीके से आके बदमाशी करके धमकियां दी हैं इसके ऊपर तो हद के इज्जत का 2 अरब का हर्जाना भी होता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और इसका एंड जो है ना वो माफी के ऊपर ही होता है, आज तक किसी ने हर्जाना भुगता नहीं है, हमेशा माफी मांगते हैं। इसका चारा को कौन अरबों रुपया दे, तो ये बचना नहीं है इसने। मैंने सिर्फ उनकी इज्जत की वजह से अभी ब्रेक लगाई हुई है, अदरवाइज मैंने अभी तक इन्हें लीगल नोटिस भिजवा देना था। मेरे लिए तो मसला कोई नहीं, मेरी तो फीस भी कोई नहीं लगनी, हमारे तो स्टूडेंट्स हर जगह बैठे हुए हैं, हमने तो उनको रिक्वेस्ट करनी है, वकील भी मुफ्त मुकदमा लड़ेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थतियां सामने आ गई हैं। मैंने कहा चूंकि अब इसने मुझे ललकारा है कि जुर्रत है तो मीडिया पे आके हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करके जवाब दे, तो मैं तो तैयार हूं। इस दफा शेर निकला है फेरोन, हाँ क्योंकि अब मौका है कि अब जो ये स्टॉक लगेगी ना तो ये इंशाल्लाह जंगे कादसिया साबित हो गई है, जिसना पर्शियन एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गई ना, ये इंशाल्लाह सूफियत की एम्पायर जो है ना हमेशा के लिए खत्म होने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो आइंदा भी अगर कोई आप मजीद बोंगिया इस तरह की मारेंगे तो फिर आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है। पहले से आप कई शोज और प्रोग्राम्स करते आ रहे होंगे, उलमा के साथ बैठ के दीनी इस्लामी सारे शो करते होंगे, लेकिन इस दफा आपका जो पाला है वो इंजीनियर साहब से पड़ा है। और पहले आप इख्तलाफी मौजूदात पे इस तरह इतने लेवल पे आपको नहीं पता था कि ये चीजें भी होती हैं, तो इस दफा आप जरा मुहतात रहें, आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है अगर आप इस तरह अपनी हरकतों से बाज ना आए। तो ये नसीहत जो है वो आपको हर इंजीनियर साहब का स्टूडेंट और एक पढ़ा लिखा बंदा आपको ये कह रहा है, कमेंट बॉक्स में भी कह रहा है। आप कमेंट बॉक्स रीड करें और अपनी अकल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।